और जम्मू की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एसपी। लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे जिया लाल वर्मा। जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष है जिया लाल वर्मा। प्रदेश अध्यक्ष जिया लाल वर्मा ने उनसे समय मांगा है मिलने का। शनिवार तक टिकट फाइनल होने की उम्मीद की जा रही है। कठुआ, बनी, जसरोटा, हीरानगर, सांबा, विजयपुर, आरएसपुरा, गांधीनगर नॉर्थ, अखनूर और अगरोटा सीट है जहां पर विधानसभा चुनाव सपा लड़ने की तैयारी में है। हालांकि अगर कांग्रेस और एनसीपी की बात की जाए तो वहां पर गठबंधन इनका हुआ है, लेकिन अब अखिलेश और उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रही है। जम्मू में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एसपी और लखनऊ में अखिलेश से जियालाल वर्मा मिलने पहुंचे हैं। वक्त मांगा है उनसे मिलने का, क्योंकि बहुत जल्दी कहा यह जा रहा है कि शायद शनिवार तक टिकट भी फाइनल हो जाए। और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसे जिले हैं जम्मू कश्मीर के जिनमें कठुआ, बनी, जसरोटा, हीरानगर, सांबा, विजयपुर, आरएसपुरा, गांधीनगर नॉर्थ, अखनूर और नगरोटा सीट से एसपी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। सोनभद्र में डायरिया का कहर लगातार जारी है। यहां पर चोपन विकास खंड के डाला इलाके में एक मासूम की मौत हो गई और उसी घर से 10 से अधिक लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि परिजन गांव में ही बच्चे का इलाज करा रहे थे और इस दौरान इस बच्चे की मौत हो गई है। 10 से अधिक लोग बीमार हैं, यानी डायरिया का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सोनभद्र में कोशिश यही की जा रही है कि वहां पर जो जिला अस्पताल है वहां पर किसी तरह से इनका इलाज हो जाए, लेकिन बच्चे को वहां पर इलाज के लिए रखा गया था लेकिन उसने दम तोड़ दिया। प्रयागराज में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा कर दिया है। मदरसे में नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 आरोपियों पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकली नोट छापने वाले गैंग में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। इसके अलावा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद और मास्टरमाइंड जहीर खान उर्फ अब्दुल जाहिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस खुलासे से हड़कंप मच गया। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था, वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। जो इनसे बरामद हुआ है उसमें 1300 डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। उसके साथ साथ 234 जो पेजेस मिले हैं जिन पे इन्होंने ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट कर रखे थे, प्रिंटर मिला है, हाई क्वालिटी जो स्कैनर है जिसको यूज करते थे वो मिला है। कानपुर में 250 मदरसों को नोटिस मिला है। जिला अल्पसंख्यक विभाग का नोटिस है। बायोमेट्रिक मशीन ना लगाने पर यह नोटिस जारी किया गया है। सभी मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो जरूरी होगी और अब इसी को लेकर जहां जहां बायोमेट्रिक नहीं लगाए गए हैं वहां पर नोटिस भेजा गया है। कानपुर में करीब 250 मदरसों को नोटिस जिला अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से भेजा गया है। बायोमेट्रिक मशीन लगाने की बात कही गई थी लेकिन जब वहां पर बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगाई गई है तो अब इन सभी मदरसों को बायोमेट्रिक का जो मशीन है उसे लगाने के लिए अब नोटिस भेजा गया है। बागपत से खबर लेते हैं जहां पर एक पैथोलॉजी लैब को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। बिराल गांव में पैथोलॉजी लैब बिना रजिस्ट्रेशन चलाए जा रहे थे। बड़ौत सीएससी प्रभारी पुलिस टीम के साथ पैथोलॉजी लैब पर पहुंचे, रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर का मिलने पर लैब को सील कर दिया। इससे पहले पैथोलॉजी लैब संचालक को नोटिस भी दिया गया था। रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर के दस्तावेज ना दिखाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। वो भी उनके द्वारा नहीं दिखाए गए, उनको नोटिस दिया गया 24 तारीख को और आज दिनांक तक भी सुबह तक भी उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। मौके पे जाकर आज टीम के द्वारा वहाँ इवन SHO रमाला के द्वारा हमने उनसे सिफारिश की थी कि एक इंस्पेक्टर साथ में भेज दें जिनके हम कार्रवाई कर सकें। वहाँ जाकर वहाँ कोई भी दस्तावेज उनके द्वारा फिर भी नहीं दिखाए गए तो मौके पर लैब को बंद कराया गया है और FIR के लिए दस्तावेज दे दिए गए। लखनऊ में डॉक्टर से 48 लाख की ठगी हुई। डिजिटल अरेस्ट कर अलीगंज के फिजिशियन डॉक्टर अशोक सोलंकी से यह ठगी की गई है। 20 अगस्त को ठग ने फेंडेक्स कुरियर सर्विस मुंबई का कर्मचारी बताकर डॉक्टर को कॉल किया।
ईरान से डॉक्टर सोलंकी के नाम पर आए पार्सल में जाली पासपोर्ट, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मादक पदार्थ होने की बात कही। इसी मामले की मुंबई क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज होने की बात कही गई। ठग ने मुंबई के DCP बने दूसरे ठग ने डॉक्टर सोलंकी से स्काइप कॉल पर बातचीत की। बैंक खाते से करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की बात कहकर डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया। डॉक्टर के खातों की रकम चेक करने के लिए RBI का खाता बताकर एक खाते में रकम ट्रांसफर कराई। दिल्ली में बारिश के बाद भीषण जाम की स्थिति हो गई है। गाड़ियां अब धीरे धीरे चल रही है। सुबह दफ्तर के लिए निकले लोग अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली का हाल। हालांकि आज सुबह फिर भी लोग निकले तो उस समय ट्रैफिक कम था, लेकिन जैसे जैसे यानी कि जो पीक आवर का वक्त होता है जब लोग अपने घरों से दफ्तर के लिए निकलते हैं, उस दौरान आप देख सकते हैं किस तरह से स्टक हो चुकी है बिल्कुल सड़क। गाड़ियां बिल्कुल एक जगह पर रुकी हुई हैं, थम गई है गाड़ियों की रफ्तार। और आज सुबह से क्या कल शाम से दिल्ली NCR में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस वक्त जाम की स्थिति सड़कों पर देखने को मिल रही है।